रेंचो, किसी ने ठीक ही कहा है, जो लोग अपनी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगाकर खुद को भूल जाते हैं उन्हें भगवान सब कुछ देता है। देखना, 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिलने वाली है हमें। कैसे? अरे नाना जी की प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी शीला मौसी की है ना। कौन शीला मौसी? जो हर नए साल में हमें कार्ड्स भेजती हैं, तोहफे भेजती हैं, हाँ, और आमों के मौसम में अपने बगीचे के रसीले मीठे मीठे आम हमारे लिए भेजती हैं। वही शीला मौसी। रेंचो, नाना जी का कोई बेटा तो था ही नहीं, सिर्फ 2 बेटियां और करोड़ों रुपए की जायदाद। अब उसमें से आधी यानी कि 5 करोड़ रुपए की जायदाद मिल रही है तेरे राजा को, और 5 करोड़ रुपए की जायदाद मिल रही है मेरे खजाना विनाश को। अब हमारा बरसों का सपना पूरा हो जाएगा। हम अपना डिटेक्शन स्कूल खोलेंगे जिसमें सिर्फ जासूसी की पढ़ाई होगी। हम लोगों को बता सकेंगे कि डिटेक्शन क्या है, जासूसी का महत्व जिंदगी में क्या है। जासूसी करना कोई मस्खरापन नहीं है। अगर एक जासूस चाहे तो अपने देश की हार को जीत में बदल सकता है और दूसरे मुल्क की जीत को हार में, है ना दोस्त? खैर फिलहाल तो हमें जाना है राजनगर और मिलना है शीला मौसी से, लेने हैं उनसे कागजात और लगा देना है अपनी प्रॉपर्टी पर एक बोर्ड, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू राजा एंड रेंचो। क्यों पार्टनर? अविनाश, वकील साहब ने वसीयत बना के दी है जिसमें 10 करोड़ की उस मिल्कियत का आधा मालिक तुम्हें और आधा मालिक राजा को बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शीला मौसी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आखिर कानून में प्रॉपर्टी एक ना एक दिन तुम्हें और राजा को ही मिलनी थी। अरे हाँ शीला मौसी, राजा भैया कब आ रहे हैं? उसका फोन आया था, आज वो किसी भी वक्त आ सकता है। बहुत अच्छा, कई साल हो गए राजा भैया से मिले हुए। शीला मैडम, शीला मैडम। रमेश तू फिर क्यों आए हो? मैडम मैं आपको एक बार फिर से समझाने आया हूँ कि आपके पीछे आपकी इस करोड़ों की संपत्ति को मैंने बरसों अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा है। अब ज्यादा नहीं तो मुझे कम से कम 10% का हिस्सा तो मिलना ही चाहिए ना। तुम इस प्रॉपर्टी को संभालते रहे या लूटते रहे, इसे अच्छी तरह से मुझसे और कोई नहीं जानता। हर साल लाखों का नुकसान किसकी जेब में जाता था? तुम्हारी ना। चलो निकलो यहां से, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है जाता हूं, लेकिन एक बात गौर से सुन लीजिए कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखा अविनाश, मुझे धमकी देकर गया है, मुझे। शीला मौसी, ऐसे टुच्चे मैनेजरों के धमकी में अगर मालिक आते रहे तो फिर दुनिया चल चुकी। छोड़िए ना। May I come in, madam? महेंद्र आया मौसी। शीला मैडम, आप भी कमाल है कमाल। हाँ, आपने उस बदमाश रमेश को 2 टूक जवाब देकर बहुत अच्छा किया। हाँ शीला मैडम, आपको मेरी वफादारी पे तो पूरा यकीन है, है ना? मैडम, कम से कम मुझे तो इस प्रॉपर्टी में 10% का हिस्सा तो मिल जाएगा ना। तुम और रमेश, तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। इस प्रॉपर्टी के मैनेजर बनकर तुम दोनों ने अच्छी लूटमार मचाई है। निकल जाओ यहां से, तुम्हें कोई हिस्सा विस्सा नहीं मिलने वाला। शीला मैडम, अभी अभी रमेश ने जो आपसे कहा कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, मैं इससे 2 कदम आगे कुछ और बोलूंगा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ। मैनेजर बनकर चोरी करने वाले तुम लोगों की ये औकात? शायद तुम्हें पता होगा कि इस प्रॉपर्टी का एक मालिक राजा भी है, वो तुम लोगों को अच्छे सबक सिखाएगा। एक बार उसे यहां आने तो दो। गेट आउट फ्रॉम हियर। चिल्लाइए मत। जा रहा हूं, याद रखना।
हाँ मासी राजा राजा ये वही जगह है जहां अविनाश का खून हुआ था। अरे ये क्या अविनाश की लाश कहाँ है? मैं तो यहीं पर छोड़कर गई थी। अविनाश की लाश कैसे जा सकती है मासी? मुझे बताओ अविनाश का जब कत्ल हुआ था उस वक्त आप कहाँ थी? मैं किचन में थी, लेकिन एक लड़की की चीख सुनकर मैं भागकर बाहर आ गई थी। फिर तो आपने कातिल को जरूर देखा होगा, आप पहचानती हैं उसे? नहीं नहीं, वो भागकर जा रहा था, उसकी मेरी तरफ पीठ थी। हाँ, लेकिन जो लड़की चीखी थी उसको मैंने जरूर देखा था। इसका मतलब उस लड़की ने कातिल को जरूर देखा होगा। कौन है वो लड़की? राजा, हाँ? राजा ये वही लड़की है जिसने अविनाश के कातिल को देखा था। नहीं, ये सब झूठ है। ना मैंने किसी का खून होते हुए देखा है और ना ही किसी कातिल को, बल्कि मैं तो आपको ये बताने आई हूँ कि मैंने कुछ लोगों को अभी अभी यहाँ से एक लाश ले जाते हुए देखा है। लाश? क्या तुम बता सकती कि वो लोग किधर गए? हाँ क्यों नहीं बता सकती, आइए मेरे साथ। मौसी मैं भी आता हूँ, चलो। आइए राजा जी। एक मिनट, मैं हटाता हूँ, रुकिए। बहुत कांटे हैं यहाँ। हाँ यही यही वो जगह है, यही वो लोग लाश लेकर आए थे यहाँ। और हाँ यहाँ कहीं उन्होंने लाश रखी थी, आई एम श्योर। यहाँ? लेकिन यहाँ तो कोई भी लाश नजर नहीं आ रही। हाँ अभी तो यहाँ कोई लाश नहीं नजर आ रही है, लेकिन अब नजर आएगी। मतलब ये क्या कर रही हो चित्रा तुम? चित्रा तुम? अब 10 करोड़ की सारी प्रॉपर्टी का मालिक कोई और होगा, कोई और। ए, बड़ी अजीब लड़की है। अरे मुझ पर बिला वजह गोलियां चला दी, अगर मैं मर गया होता तो। मनुष्य तुम हमारे साथ चलो। साथ चलो? कौन है भाई तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता, क्या चाहते हो तुम? मैं यमदूत हूं। हाँ? हाँ। यमदूत? यमदूत, मैं तुम्हें लेके यमराज के पास जा रहा हूं। बहुत अच्छे, यमराज के? यमराज के पास? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा मनुष्य, नहीं आएगा, क्योंकि तुम इस वक्त अपने शरीर में नहीं हो, तुम मर चुके हो। वाह, मैं मर चुका हूँ? हाँ। अरे माशा इधर देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जीता जागता 6 फुट का इंसान, 1 पीस। तुम जो हमारे सामने खड़े हो वो तुम नहीं हो, तुम्हारा शरीर नहीं है बल्कि तुम्हारी आत्मा है। जी ठीक है, मैं समझ गया कि कहानी क्या है। ये सारी साजिश उस शीला मौसी की रची हुई है। पहले तो उसने खुद ही अविनाश का कत्ल करवा डाला, फिर ये झूठी मनगढ़ंत कहानी गढ़ के उस चित्रा को मेरे पीछे भेज दिया गोलियां चलवाने के लिए। मैं बच गया तो ये सारा नाटक रच दिया मुझे पागल बनाने के लिए। मनुष्य तुम उस महिला की गोली खा के बच नहीं पाए और तुम मर गए हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि मैं मर गया हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो महाशय अगर मैं आत्मा हूँ तो फिर मेरा शरीर कहाँ है? वो रहा तुम्हारा शरीर। मनुष्य अब तो तुम्हें यकीन आया, अब चलो हमारे साथ यमराज के पास, वहीं तुम्हारा हिसाब किताब होगा। आओ मेरे साथ। आओ मनुष्य,
महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दूत बड़ी जल्दी आ गए। महाराज जान जल्दी मिल गई तो जल्दी आ गया। जिसकी जान लेने भेजा था उसी की जान लेकर आए हो ना, कि पिछली बार की तरह किसी दूसरे की जान लेकर आ गए? यमराज जी, मुझे तो लगता है कि ये किसी दूसरे की जगह मुझे ले आया है यहाँ। चित्रगुप्त जी महाराज, जरा देखो तो सही, कहीं ये फिर से गलत आत्मा तो लेकर नहीं आ गया? जी महाराज। आत्मा तो गलत ही लाया महाराज। यमराज जी, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये किसी दूसरे की जगह मुझे ले आया यहाँ। नित्यलोक की आत्मा, तुम चुप रहो। महाराज मैंने इस बार कोई गलती नहीं की है। बहुत अच्छे, क्या नाम है इसका? नाम बोलो मनुष्य। राजा। ये क्या हो रहा है महाराज? तुम फिर गलत आत्मा लेकर आ गए हमेशा की तरह। वही वही तो मैं भी कह रहा हूँ यमराज जी, वरना मैं इतनी कम उम्र में कैसे मर जाऊंगा? सोचिए जरा, अब मेरा क्या होगा? कुछ ना कुछ अवश्य होगा। अच्छा, अपना पूरा नाम बताओ। मेरा नाम तो राजा है, राजा ही कहते हैं। हाँ, धरती पर लोग मुझे राजा रेंचो के नाम से जानते हैं। रेंचो? हाँ। राजा जी, राजा रेंचो। भाई कहीं तुम भारत के प्रसिद्ध जासूस राजा तो नहीं हो? हाँ वही तो हूं मैं राजा, लेकिन आप कैसे जानते हैं राजा रेंचो को? अरे भाई, जिन अपराधियों को पकड़कर तुम फांसी की सजा दिलवाते हो, हाँ, उनकी जान लेने कौन आता था? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उनकी आत्मा को लिवाने के लिए आप ही जाते थे? और नहीं तो क्या। What a pleasant surprise! क्या कमाल की मुलाकात हुई है यमराज जी आपसे, वाह वाह। राजा जी, जी आप क्या लेंगे, ठंडा या गरम? नहीं नहीं महाराज, अगर वो सब लेने के लिए मैं यहाँ रुक गया तो पता नहीं पृथ्वी पर लोग मेरे शरीर का क्या 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 कर डालेंगे। आप तो बस मुझे रेंचो के होते हुए तुम्हारे शरीर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है यमराज जी, लेकिन रेंचो राजा के बिना अधूरा है ना। आप दूत। आज्ञा महाराज। तुरंत राजा की आत्मा को पृथ्वी लोक ले जाओ और इसके अपने शरीर में प्रवेश करा दो। जो आज्ञा महाराज। मनुष्य चलो मेरे साथ। चल। ओके यमराज जी, वेरी नाइस मीटिंग यू। क्या? नहीं, जाने दीजिए, फिर कभी भेंट होगी। जय हिंद। चलो चलो। अरे यार यमदूत भाई, जरा जल्दी चलो ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। अरे बड़े अजीब आदमी हो यार, यहाँ मेरी हालत पतली हुई पड़ी है, मेरा शरीर ना जाने कहाँ पड़ा होगा और मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है, और तुम हो के तुम्हें आराम करने की सोच रही है? एक मिनट जरा आओ मेरे पास, इधर उठो 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 उठो। देखो, एक बार मेरी आत्मा मेरे शरीर से मिल जाए ना, फिर चाहे जितनी देर सो जाना, कौन रोकता है तुम्हें? देखो मैं एक आध घंटा नींद कर लेता हूँ, तब तक तुम अपने पड़े हुए मृत शरीर में जाके प्रवेश कर जाओ और जिंदा हो जाओ। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ये सारा तुम्हारा किया धरा है, सारी प्रॉब्लम तुमने क्रिएट किया, तुम्हारी गलती है और तुम आराम करना चाहते हो। देखो, जब तक मेरी आत्मा मेरे शरीर में नहीं चली जाती ना, तब तक तुम मेरे साथ रहो बस। ठीक है मनुष्य, आओ मेरे साथ।